बीकानेर से अब बड़ी खबर है। होली पर खूनी संघर्ष का मामला, मामूली कहासुनी में कर दी दो युवकों की हत्या। आरोपी का बताया जा रहा है आपराधिक रिकॉर्ड। पुलिस आरोपी के काफी करीब पहुंची है। बिछवाल थाना अधिकारी मनोज शर्मा ने कहा, पानी की बोतल सिर में मारने के बाद हुआ था झगड़ा और उसके बाद झगड़ा इस हद तक बढ़ा कि दो युवकों की हत्या कर दी गई। मामूली कहासुनी से शुरू हुआ ये झगड़ा दो लोगों की जान ले बैठा। अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, देखिए, एक और तो लोग रंगों से होली खेल रहे थे, पर ये कुछ लोग खून की होली खेल गए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। होली के दिन जिसके रंगों का त्योहार होता है, खून की होली खेली गई। दो लोगों की हत्या हुई, वो भी मामूली कहासुनी के बाद। बीछवाल थाना इलाके का मामला रहा। पहले बात आई रंग लगाने को लेकर झगड़ा हुआ, लेकिन बाद में बताया गया कि बोतल पानी की फेंकी गई और उसके बाद जो है झगड़ा हुआ और दो लोगों की चाकू गोद कर हत्या हुई। हालांकि अभी तक जो जानकारी सामने आई है, पुलिस ने लगभग राउंड अप कर लिया है, आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं कर रही है क्योंकि पुलिस कुछ एक तथ्य और जुटाना चाह रही है। लेकिन खास बात इसमें ये भी है कि जो गिरफ्तार जो राउंड अप किया गया है उसका आपराधिक रिकॉर्ड है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि कुछ लोग और भी शामिल हो सकते हैं, तो वो कोशिश की जा रही है। लेकिन जो जानकारी सूत्रों से मिल रही है, हालांकि आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है, कि जो एक मुख्य आरोपी है उसको पुलिस ने राउंड अप कर लिया है। लक्ष्मण, दो युवकों के बारे में क्या जानकारी जिनकी हत्या कर दी गई? चलिए लक्ष्मण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए।